नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मेरे पास ये टीवी आया है संजय का है, देखिए इसमें क्या पार्ट बनता है। मैंने इसको ऑन किया, ये इस तरीके से फॉल्ट बन रहा है। ये 4 इंची यहाँ पर पट्टा आ रहा है, ये बाजू में आपको ये 4 इंची पट्टा दिख रहा होगा, रास्टर प्लान है। ये कहीं से बन के आया है टीवी मेरे पास, तो देखते हैं इसमें क्या है आगे। ये संजय टीवी है, 24 इंची का है। ये मॉडल इसका है LCD TV S2280YHS, ये इसका मॉडल नंबर। तो इसको खोल के दिखाते हैं। ये मैंने इसके स्क्रू पहले से खोल लिए थे जैसे कि वीडियो लंबा ना हो। ये देखिए पूरे छुड़ा हुआ टी आया है। इसमें देखिए अलग से एक ऑडियो बोर्ड पहले से लगा हुआ है, कंप्लीट है। ये ऑडियो बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे एक फ्यूज निकला हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, वो फ्यूज निकला हुआ है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी निकला हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये दो चीज़ें निकली हुई हैं, देखिए ये निकला हुआ है यहाँ से। और यहाँ पे ये देखिए VDD वोल्टेज यहाँ पर ये दिए गए हैं। यहाँ से एक जम्पर निकला हुआ है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, इसके एक्चुअल में पहले यहाँ वोल्टेज नाप रहा हूँ। कभी भी इस तरीके से फॉल्ट आता है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये फॉल्ट पैनल का होता है, हमेशा फॉल्ट पैनल में। जो कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं, जैसे कि अभी जो फॉल्ट आ रहा था आपको दिखाया, ये देखिए यहाँ वोल्टेज नापे मैंने, ये बता रहा है 4.17 यानी 4.7 वोल्ट बता रहा है ये, जबकि इस पैनल के लिए काम करने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो 5 वोल्ट अभी यहाँ आ नहीं रहे कहीं से भी। देखिए यहाँ पे ये कि यहाँ पे ये फ्यूज लगा रहता है, ये फ्यूज निकाला इसमें, और यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पे पहुँचती है। ये आ रहे हैं 4.2-4.1 वोल्टेज करीबन। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए इसको यहाँ पे भी नापते हैं। ये वोल्टेज देखिए 4.2 वोल्ट 4.1 वोल्टेज यदि ये आ रहे हैं, पूरे क्लियर वोल्टेज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फॉल्ट यहाँ पर जो रेगुलेटेड सर्किट है उसमें का फॉल्ट है। ये रेगुलेटेड होते हुए ये वोल्टेज पैनल पे जाते हैं, 12 वोल्ट सेलेक्ट करते हैं, 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो यहाँ पर इससे रेगुलेटेड किया गया है। और यहाँ से मैंने ये वायर एक निकाला, ये देखिए ये वायर। और यहाँ मैं आपको नाप के बताता हूँ, देखिए 5 वोल्ट आ गए। पाँच वोल्ट क्लियर वोल्टेज आ रहे हैं, ये वोल्टेज आ गए। अब इस वायर को मैं वहाँ उस पर जाके शोल्ड कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। कभी इस तरीके से यदि फॉल्ट आता है तो ये हमेशा ध्यान रखें पैनल का फॉल्ट होते हैं। यहाँ से ये सप्लाई जाती है DC to DC IC के लिए, इसके लिए ये देखिए ये वायर मैंने ये लग गया वायर। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये पैनल के लिए 5 वोल्ट पहुंचने लगेगी। अब ये मैंने पहले कर लिया था क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसलिए हम नापते हैं इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैं नापता हूँ सप्लाई पर, ये ऑन किया मैंने, ये ऑन हो गया। अब यहाँ वोल्टेज नापते हैं, देखिए 5 वोल्ट आ गए।
क्लियर वोल्टेज 5 वोल्ट बता रहा है। अब इसको उठा के देखते हैं क्या हो रहा है, इसमें कंडीशन क्या है। देखिए ये आ गया क्लियर, ये क्लियर आने लगा आपको पैनल। तो इस तरीके से यदि फॉल्ट बनता है, या नेट टाइप की आती है कभी कभी, वो भी फॉल्ट पैनल का बनता है, या मान लो कुछ भी नहीं आ रहा है, प्लेन रास्टर आ रहा है वाइट, तब भी ये पैनल का फॉल्ट बनता है। तो पैनल में कभी ऐसा फॉल्ट बनता है तो सबसे पहले आपको डीसी आईसी वे लगी होती है उसको वोल्टेज नापना पड़ता है, वहाँ पर वोल्टेज पहुँच रहे हैं कि नहीं। यदि वहाँ पर वोल्टेज पहुँच रहे हैं तो उससे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज आते हैं, और जब ये वोल्टेज पहुँच जाएंगे तो ये काम करने लगे। कभी कभी डीसी टू डीसी आईसी भी खराब होती है, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, आगे कभी डीसी कभी बनाऊँगा इसके बारे में, पैनल के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूँगा। तो आइए आप इसको चला के और दिखाते हैं। देखिए ये एक क्लियर पिक्चर आ गई इसकी, साउंड बंद कर दिया मैंने, क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए मैंने ऑन किया, ये कस के रख दिया है इसको, ये इसके ये ऑन हो गया, ये क्लियर हो गया आपकी पिक्चर। ठीक है, अभी ये वर्टिकल लाइन आ रही है ये, इसके बाद कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये क्यों आ रही है। तो आपको मेरा ये समझ में आ गया होगा वीडियो कैसे फॉल्ट दूर किया मैंने, आशा ये होता है कि आपको ये भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।